फ्रीडम डेल्टा 63। अरब सागर के ऊपर जैसे ही राफेल भारतीय वायुसेना के अंदर दाखिल हुआ, समंदर पर गश्त कर रहे नौसेना के युद्धपोत INS कोलकाता के वायरलेस में एक आवाज गूंजी। वेलकम टू द इंडियन ओशन। Naval warship Delta 63, Aero Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Aero Leader, Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. मौका बेहद खास था और भावुक थी। हिंदुस्तान को राफेल उस वक्त मिला है जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सिर्फ राफेल आने की ही नहीं बल्कि 7000 किलोमीटर इसे उड़ाकर लाने की दोहरी खुशी थी। राफेल को हिंदुस्तान लाने वाले शूरवीर कश्मीर से लेकर बिहार तक देश के अलग अलग हिस्सों से थे और इनका स्वागत करने के लिए खुद एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया अम्बाला पहुंचे थे। इस दल का नेतृत्व कर रहे थे ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह, विंग कमांडर MK सिंह, ग्रुप कैप्टन R कटारिया, विंग कमांडर मनीष सिंह, एयर कमोडोर हिलाल अहमद। इस दल में कश्मीर से बिहार तक रहने वाले वीर योद्धा शामिल हैं। ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह 70वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरो के कमांडिंग ऑफिसर हैं। हरकीरत सिंह इस दल का नेतृत्व कर रहे थे। वहीं 2001 में वायुसेना में शामिल विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी राजस्थान के जालौर से हैं। उनके गांव में जबरदस्त खुशी है। लोगों को तो इतना बढ़िया महसूस हो रहा है कि जो कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम लोग खुशी का, हमारी लोगों खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि आज हमारा भतीजा यहाँ पे पहुँचा है। सारा देश उसको देख रहा है, सारी दुनिया उसको देख रही है। कश्मीर के रहने वाले एयर कमोडोर हिलाल अहमद ने राफेल को भारतीय परिस्थितियों के मुताबिक ढालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिलाल दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के रहने वाले हैं। 27 जुलाई को हिलाल ने फ्रांस से राफेल जेट के पहले बैच के टेक ऑफ से पहले निरीक्षण किया था। भारत की शान के साथ हिलाल का नाम जुड़ा तो कश्मीर में उनके घर वालों का सीना फक्र से चौड़ा हो गया। पूरे इलाके में हिलाल के परिवार की वाहवाही हो रही है। बहुत ही खुशी का दिन हमारे लिए है। परसों रात को मुझे फोन आने शुरू हो गए कि हिलाल साहब की सराहना की गई, उन्होंने बड़ा रोल अदा किया इस राफेल डील में। तो माशाअल्लाह हमारी खुशी की हद नहीं रही। विंग कमांडर मनीष सिंह के परिवार को भी खुशियों के इस पल का खास इंतजार था। परिवार में बेटे के इस ऐतिहासिक उड़ान का हिस्सा बनने से सब गदगद हैं। दुनिया को खुशी है तो हमको क्या पूछना है जी। भी आप माँ है तो वही तो कह रही हूँ कि दुनिया का इतना खुशी है तो हमको कितना खुशी होंगे। बहुत गर्व हो रहा है मुझे क्या, मुझे मेरे देश को, मेरे गांव को, जिला को, सबको गर्व की बात है। इतिहास का हिस्सा बने ग्रुप कैप्टन रोहित कटारिया के परिवार में खुशी को आंकना मुश्किल था। राफेल के साथ उड़ान भरते अपने पोते को देखकर दादा भी सातवें आसमान पर थे। बहुत खुशी है, बहुत ज्यादा। मैं काफी दिन से यही सोच रहा था कि भाई इसका कर्तव्य किसी दिन देखें, तो वो आज देखने को मिल गया। ये किसी बड़े मिशन के कामयाब होने जैसा पल है। राफेल दुनिया की सबसे शक्तिशाली विमानों की लिस्ट में शामिल है। इन पायलटों का चयन इनकी प्रतिभा को परख करके ही किया गया था। अब ये राफेल उड़ाने वाले दूसरे पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है।